नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता गर्ग, एमडी पैथोलॉजी फ्रॉम केजीएमसी लखनऊ, कंसल्टेंट हिस्टोपैथोलॉजिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट, एंड आई हेड द डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी न्यूटिमा हॉस्पिटल। आज हम वेरियस हेल्थ पैनल्स एंड प्रोफाइल्स की बात करेंगे। हेल्थ पैनल्स क्या होते हैं? हेल्थ पैनल्स में कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो टेस्ट हैं, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, उनका ग्रुप बना के वेरियस हेल्थ पैनल्स बनाए जाते हैं, जो कि ज़रूरी है किसी भी इवन हेल्दी मेल, फीमेल्स और जीरियाटिक पेशेंट्स के लिए। ज़रूरी है कि वो साल में एक बार या दो साल में एक बार ज़रूर कराएं। इन हेल्थ पैनल्स में कुछ टेस्ट इस टाइप के रखे गए हैं, जैसे पेशेंट का ये देखा जाता है कि कहीं पेशेंट में एनीमिया तो डेवलप नहीं हो गया, पेशेंट के अंदर कोई विटामिन की कमी तो नहीं हो गई है। तो ये वाली चीज़ें इवन जो नॉर्मल हेल्दी लोग हैं उनको लगता है हम लोग हेल्दी हैं, लेकिन कई बार आजकल के ज़माने में जिस तरीके का माहौल चल गया है और जंक फूड बहुत हो गया है, तो इस और धूप, बिल्कुल धूप में लोग आना ही नहीं चाहते हैं, तो इस टाइम में बहुत विटामिन्स की डेफिशिएंसी पाई गई है और आयरन की डेफिशिएंसीज भी पाई गई है। तो इन सबको चेक करने के लिए एक रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है और इन चीज़ों के लिए ही हेल्थ पैनल्स बनाए गए हैं। तो ये जो 60 की उम्र के बाद के जो लोग हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल मैंडेटरी है, उन्हें हर साल एक बार ये टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए। जीरियाटिक पेशेंट्स में कुछ टेस्ट ऐसे भी रखे जाते हैं जो कि, क्योंकि इन पेशेंट्स में ऐसा होता है, या पेशेंट्स ना कहें, हेल्दी मेल भी अगर हम बोलें, हेल्दी फीमेल्स भी बोलें, तो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि टाइमली, अगर पेशेंट में कोई मैलिग्नेंसी डेवलप हो रही है, मैलिग्नेंसी मतलब कोई कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस हैं, तो भी वो टाइमली पकड़ में आ जाते हैं, कैंसर डेवलप होने से पहले ही पकड़ में आ जाते हैं। तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मेल्स में ये कराया जाता है PSA, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन कराया जाता है, कि जो कि प्रोस्टेट की ग्रोथ को देखता है। और फीमेल्स में पैप स्मीयर कराया जाता है, जो कि बच्चेदानी के मुंह से हम टेस्ट लेते हैं और उसके अंदर जांच किया जाता है कैंसर को, कैंसर डेवलप होने से पहले ही पकड़ने के लिए, जिससे टाइमली पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके और कैंसर डेवलपमेंट ना हो। इसके अलावा वेरियस प्रोफाइल्स भी हम लोगों के न्यूटिमा हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। ये प्रोफाइल्स इस तरीके से सेट किए गए हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उन लोगों के लिए कुछ टेस्ट मैंडेटरी हैं कि उन्हें महीने में या दो महीने में ये टेस्ट कराने ही हैं, कि उनका शुगर का लेवल कितना चल रहा है, कहीं शुगर का लेवल ज़्यादा तो नहीं पड़ गया। जैसे HbA1c, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये दो महीने और तीन महीने में कराना ही चाहिए मरीजों को, पुराना शुगर लेवल चेक करने के लिए, क्योंकि अगर एक बार शुगर लेवल बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे बॉडी के और अंग भी ख़राब होने लगते हैं, जैसे शुगर, हाई शुगर किडनी पर और आंखों पर बहुत असर डालती है, और धीरे धीरे जो मरीज़ है वो डायबिटिक से गुर्दा मरीज़ बन जाता है या उसकी आंखें धीरे धीरे जाने लगती हैं। एनीमिया प्रोफाइल्स होते हैं जिसमें कुछ सर्टेन टेस्ट इस तरीके से अलाइन करे गए हैं, जो कि पेशेंट के अंदर अगर एनीमिया डेवलप हो रहा है, एनीमिया मतलब खून की कमी अगर डेवलप हो रही है तो क्यों कमी हो रही है, क्योंकि खून की कमी होने के भी कई कारण हो सकते हैं। तो कुछ कॉमन कारण की को ध्यान में रखते हुए उसके क्या क्या टेस्ट होते हैं, कि आयरन की कमी है या कोई विटामिन की कमी है, इस तरीके से एनीमिया प्रोफाइल पेशेंट का बनाया गया है। इसके अलावा कॉमनली जो पेशेंट आजकल देखे गए हैं वो थायराइड के बहुत देखे गए हैं, तो थायराइड वाले मरीजों को भी रेगुलर जांच अपनी करानी चाहिए, तो उसके लिए भी थायराइड प्रोफाइल्स बनाए गए हैं, जो कि पेशेंट को रेगुलरली इन्फॉर्म करते हैं, डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि कैसे आगे इनका ट्रीटमेंट चलता रहे। एक बात और मैं कहना चाहूँगी साथ ही साथ, जो एंटीनेटल प्रोग्राम्स होते हैं, एंटीनेटल मतलब गर्भावस्था के दौरान भी जो लेडीज़ आती हैं उनके भी कुछ पैनल्स हैं, जो कि कुछ पैनल्स ऐसे होते हैं कि जो मैंडेटरी हैं और वो गर्भावस्था के दौरान जो फीमेल्स हैं उनको कराने ही चाहिए, तो उसकी फैसिलिटी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, जो टाइमली हम लोग रैपिड पेशेंट को रैपिडली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने के लिए डायग्नोसिस बनाते हैं और डायरेक्ट क्लिनिशियन से कम्युनिकेट करते हैं। ये सब प्रकार के टेस्ट की फैसिलिटी हमारे न्यूटिमा हॉस्पिटल में पैथोलॉजी में उपलब्ध है। सभी प्रकार के पेशेंट, IPD पेशेंट्स और जो हमारे OPD पेशेंट्स, इवन अगर बाहर से भी पेशेंट्स कराना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए हमारे यहाँ इन हाउस ये फैसिलिटी उपलब्ध है, जो बहुत ही कम टाइम में रैपिड डायग्नोसिस बनाकर एक्यूरेटली प्रोवाइड कराई जाती है।